Children, this is chapter number forty-five and the name of the chapter is Water Cycle. We love the rainy season, but often wonder why rain comes, where rain comes from. तो हमें जो है रेनी सीजन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये रेन आती कहाँ से? We also want to know where the water disperses, uh, disappears later. और हमें ये भी जानना होता है कि ये जो पानी आता है इतना ज्यादा अमाउंट में वो कहाँ गायब हो जाता है डू यू नो लेट्स फाइंड आउट तो चलिए जल्दी से ढूंढते हैं द फर्स्ट यू कैन सी दिस इज अ वाटर साइकिल चिल्ड्रन द वॉटर साइकिल इज अ वे दैट वॉटर मूव फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू द एयर एंड बैक अगेन एंड इट इन्वॉल्व फोर मेन प्रोसेस सो वाटर साइकिल एक तरीका है जिससे जो अर्थ का पानी है वो जो है क्या करता है घूमता है एक साइकिल के फॉर्म में अर्थ के सरफेस से वो एयर में जाता है और वापस से वो अर्थ पे वापस आता है सो so इसमें फोर फोर मेन प्रोसेसेस यूज होते हैं दीज आर परसिपिटेशन कंडेंसेशन ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन सो व्हाट इज परसिपिटेशन यू कैन सी

ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स गेट बेग इन जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं क्लाउड्स में क्लाउड और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है भारी हो जाता है और जब वो भारी हो जाता है तो वो जाके ग्राउंड पे गिरने लगता है किस फॉर्म में रेन के फॉर्म में स्नो के फॉर्म में हेल या फिर स्लीड के फॉर्म में वॉट इज कॉन्शन दिस इज वेन वॉटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन एंड टर्न बैक इन टू टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग द क्लाउड्स तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है वाटर वेपर जो है वाटर वेपर जो है एयर में जो है कूल डाउन uh, cool होने लगता है और वो जो है छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन दिस इज व्हेन प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू टाइनी ओपनिंग्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा सो ये वो प्रोसेस है जिसमें जो है वाटर वेपर्स जो है एयर में जो है रिलीज है, है होते हैं किससे प्लांट से एंड प्लांट में जो टाइनी ओपनिंग होती है दिस इज स्टोमेटा कहते हैं उससे ये वाटर वेपर जो है एयर में रिलीज होते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन सो दिस इज व्हेन द सन हीट्स अ वाटर इन रिवर्स लेक्स एंड ओशियंस टर्निंग इट इनटू वाटर वेपर और स्ट्रीम सो ये जो है तब होता है जब सन जो है हीट कर देता है वाटर को कहां-कहां के रिवर्स के लेक्स के ओशियंस के और उन्हें जो है वाटर वेपर में कन्वीट कन्वर्ट कर देता है सो चिल्ड्रेन स्टार्ट्स लाइक दिस। सबसे पहले जो वाटर है लैंड पे उसे इवेपोरेट करता है कौन सन तो जो भी जहां पे भी आपको वाटर दिखेगा वो सारे वाटर को इवेपोरेट करता है सन उसके बाद जो है ये ट्रांसपीरेशन होता है जो प्लांट्स में जो स्टमेटा है वो क्या करता है जो भी वाटर कंटेंट रहता है प्लांट्स में वो सारा जो है इवेपोरेट कर देते हैं उसके बाद ये वाटर ऊपर जाके कंडेंसेशन मींस ठंडा हो जाता है यहाँ से गरम भाप बनकर निकलता है और वहाँ ऊपर जाके ठंडा हो जाता है ठंडा होने के बाद ये सारा पानी इकट्ठा होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स अब क्लाउड्स बनने के बाद ये क्लाउड्स आगे जाके पर्सीपिटेशन हो जाता है मींस क्लाउड्स है बहुत ज़्यादा कंटेंट में पानी उसमें जब भरता जाता है भरता जाता है तो क्लाउड्स धीरे धीरे हैवी होने लगते हैं और हैवी होने के बाद जो है वो अब और ज़्यादा पानी को अपने अंदर कैरी नहीं कर सकते तो क्या होता है ये जो क्लाउड्स है सारे जो भी पानी उनके अंदर रहता है उसे रेन के फॉर्म में अर्थ पे वापस भेज देते हैं और दोबारा से ये जो है पानी जो अर्थ पे आता है वो वापस से इवेपोरेट होने लग जाता है सो यू कैन सी इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन एंड दोबारा से परेशन और उसके बाद फिर वापस से ट्रांसपीरेशन कंडेंसेशन एंड का जो सीक्वेंस है आप कह सकते हो जो साइकिल है वो बढ़ता चला जा रहा है सो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है बाय दिस मेथड